कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मेटलर्जी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। हमारे घरों में बहुत सारी चीजें हैं मेटल की, आपने एल्यूमिनियम की चीजें देखी है, आयरन की चीजें देखी है, आखिर वो चीजें आई कहाँ से हैं? ये इमेजिन करो चीजों को, तब आपको आएगा मेटलर्जी आखिर है क्या। हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, मतलब जो आपके सामने अभी जेसीबी वाला डायग्राम आया था कि हमको जमीन से खुदाई करके वहां से मेटल निकालना है। ऐसे तो नहीं होता कि डायरेक्ट हमने खोदा और लोहा निकल जाता होगा, एल्यूमिनियम डायरेक्ट निकल जाता होगा, आखिर निकलता कैसे होगा ये हमको इस चैप्टर में देखना है। तो देखो, प्लेटिनम नहीं, नेटिव एलिमेंट गोल्ड बोल लो आप, सिल्वर बोल दो, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि बहुत कम से कम प्योरेस्ट फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन आपको मेटलर्जी समझना है तो उसके लिए तीन टर्म है, मिनरल और है ना, और एक और क्या हो जाएगा, मिनरल ओर्स और गेंग। आखिर मिनरल होता क्या है, तो उसके लिए आप देखो, ध्यान से देखना, मिनरल आर कंपाउंड विच आर फाउंड इनसाइड अर्थ क्रस्ट। क्या होते हैं मिनरल जो होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। विच मस्ट कंटेन सम परसेंट ऑफ मेटल। कितनी गजब की लाइन कही है इसमें, ये आपको आना चाहिए, यही हमारी डेफिनेशन। क्या होता है, मिनरल को हम कहां से निकालते हैं? जमीन में खोद कर से निकालते हैं। लेकिन अगर उसमें एक भी परसेंट मेटल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। लेकिन आगे अगर 1 भी परसेंट मेटल नहीं है, अब जैसे कि आपने जमीन में से तो पेट्रोल भी निकलता है, तो पेट्रोल क्या मिनरल हो जाएगा क्या? वहां से तो कार्बन भी निकलता है, तो कार्बन क्या मिनरल हो जाएगा क्या? जो जमीन का हिस्सा, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, आपने जमीन चट्टान खोदी, वहां से जो चट्टाने आई उसमें अगर 1 भी परसेंट मेटल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट? तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, मिनरल आर कंपाउंड विच आर फाउंड इनसाइड अर्थ क्रस्ट विच मस्ट कंटेन सम परसेंट ऑफ मेटल। डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जो खुदाई वगैरह चलती है, आपको तो लगता है खनन वगैरह होता है, तो उससे क्या होता है, वहां से मिनरल निकलता है, फिर मिनरल से फिर मेटल निकालते हैं। अब देखो, कार्बन इज ऑल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट डू नॉट कंटेन मेटल, सो कार्बन इज नॉट मिनरल। कंपाउंड लाइक डीजल पेट्रोल आर ऑल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट डू नॉट कंटेन मेटल, सो दीज आर ऑल्सो नॉट मिनरल। समझ में आ गया आपको डेफिनेशन क्या है? अब फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब अगली डेफिनेशन है हमारी और की, और क्या है? मिनरल समझ में आ गया कि खोदा हमने, उसमें अगर थोड़ा सा अमाउंट मेटल निकल गया तो हम उसको मिनरल बोल रहे हैं। और क्या होता है, मान लो दो अपने रॉकी सॉल्ट, रॉकी चट्टान में चट्टान लिया, ठीक है, और अगर हमने उसमें भी मेटल है, उसमें भी परसेंटेज मेटल है, मान लो एक में 70% मेटल होता, एक में 60% होता, तो हम दोनों को मिनरल तो बोलेंगे, लेकिन और किसको बोलेंगे? मुद्दा ये है, और किसको बोलेंगे जिसमें जो से आसानी से ले कमर्शियली, जिसमें से सकते आसानी हैं से चीज। निकले, है ना, लेस एक्सपेंसिव हो। सबसे मुद्दा तो यही, कम खर्चे में आना चाहिए, भले उसमें अमाउंट कम हो, 60% क्यों नहीं हो, अगर वो हमारे लिए लाभप्रद है और कम खर्चे में है तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? उसको देंगे, उसको हम बोलेंगे और। तो हम चलते हैं और की डेफिनेशन में। अगला है और की डेफिनेशन, ध्यान से देखना इसको, सिस्टमेटिक एक एक टर्म समझाना है। देखो, मेटलर्जी तो किसको बोल रहे हैं? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर करस्पोंडिंग ओर, जो ओर की चर्चा करी, ओर आर मिनरल विच कंटेन्स हाई परसेंट ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए इकोनॉमिकली। ये है हमारी डेफिनेशन, समझ में ही बात। तीन डेफिनेशन हमने पढ़ ली। मिनरल तो क्या बोला हमने, अर्थ क्रस्ट में से जो हम निकालते हैं अगर उसमें 1% भी मेटल रहता है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? मिनरल। मिनरल में भी हम किस क्या निकाल रहे हैं? और क्या होना चाहिए? कमर्शियली होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, उसमें क्या रहना चाहिए? मेटल का परसेंटेज कितना है? मेटल का परसेंटेज होना चाहिए, ये किसी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि 70% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, कुछ गिवन नहीं है।
मेटल का परसेंटेज होना चाहिए। अगर 60-70 है तो 60 वाले में अगर वो सस्ता मिल रहा है हमको तो हम उसका यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चैप्टर मजेदार इसलिए कि आप याद करो कि हमारे घर में जो चीजें है आखिर दिमाग में तो आना चाहिए। आयरन का दरवाजा है तो बस क्या क्या ऐसे ही, मतलब आप तो दुकान पे चलो लिया है, लेकिन कभी सोचो से काय से बना होगा, ये लोहा आया कहाँ से होगा। मुद्दा ये एल्यूमिनियम के घरों में बर्तन है, आखिर आए कहाँ से होंगे ये, ऐसे तो नहीं आ गए होंगे जमीन खोदी हो निकलता होगा। कुछ ना कुछ कंपनी में प्रोसीजर रहती होगी, उसके थ्रू आता होगा। तो हमको समझ लो कि चट्टानों में से, जैसा दिमाग में इमेजिन लाओ कि बस कुछ नहीं करना है, चट्टान है उसमें से हमको कोई सा मेटल निकालना है, यही मेटलर्जी और कुछ नहीं। उसके लिए बहुत तरीके की प्रोसेस होती है बस। अगला स्टेटमेंट, ऑल ओर्स आर मिनरल एंड ऑल मिनरल्स नॉट ओर्स। मिनरल के लिए क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, ये आपको मैंने बताया था सही। मिनरल वो है जिसमें कुछ ना कुछ मेटल का अमाउंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, मिनरल। अब हम बात करें गेंग, या इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थली इम्प्रिटीज विच आर प्रेजेंट इन मिनरल कॉल्ड गेंग पार्टिकल, ठीक है। बस ये हमारे तीन टर्म हो गए, इसके आगे हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तीनों को। मिनरल क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में अगर हम कोई रॉक्स निकालते हैं तो उसमें अगर मेटल का थोड़ा सा भी अमाउंट है तो उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल में से आप क्या कर रहे हैं, मिनरल तो हमने ले लिए, अब हमको वो निकालना है कि जो कमर्शियली और इकोनॉमिकली हमको उससे बेनिफिट हो कंपनी को। मेटल का परसेंटेज ज्यादा होगा थोड़ा वो कम होगा तो भी चलेगा, है ना। और इम्प्यूटीज किसको बोल रहे हैं, मिनरल में दो चीजें हैं ऐसा बोल सकते हैं। मिनरल में क्या है, दो चीजें, ओर्स भी है और इम्प्यूटीज भी है ना। ओर्स में से क्या रहेंगे, जो भी उसके जो भी पार्टिकल रहेंगे, दूसरे जो पार्टिकल बचे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, इम्प्यूटीज बोल देंगे, है ना, जिसको हमको सेपरेट करना है। क्या और में से अगर इम्प्यूरिटी हटा दे तो हमको क्या मेटल मिल जाएगा, तो हाँ मेटल मिल जाएगा। हमको ये तो करना है, और में से क्या कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी देखो मेटलर्जी। अब एलिमेंट आपको पता है कि थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स। हमको तो मेटल से मतलब है, तो मेटल दो स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से पाए जाते हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। और कंबाइंड में कौन से पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सिंपल एग्जांपल है, जिंक ब्लेंड होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, कोरंडम होता है, रॉक सॉल्ट होता है, ऐसे बहुत सारे। फ्री स्टेट का मतलब है आसानी से इसमें इम्प्यूरिटीज का जो अमाउंट रहता है वो कम रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें ऑक्साइड सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज नहीं होती, हमको आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत कंपनी में अगर हम इसको थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन भी कर रहे तो हमको आसानी से, कुछ ज्यादा प्रोसेस में लगानी नहीं पड़ती। अब आपको बताया प्योरिटी टेबल में लगभग 80% क्या रहते हैं, मेटल होते हैं। अब देखो ये टर्म हमने पढ़ लिए, लेकिन एक और रिपीट करेंगे। मेटलर्जी के तीन टर्म है, मिनरल और गेंग। अब देखो मिनरल, देखो ध्यान से, ये मिनरल है, देखो ये आपके सामने डायग्राम है, बहुत सारे प्रकार के इस प्रकार से मिनरल पाए जाते हैं। द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलोंग विथ रॉकी एंड अदर इम्प्यूरिटीज और कॉल्ड मिनरल मे और मे नॉट गिव प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। यही तो हमने आपको बताया प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन का, यही तो बोला था, याद करो क्या बोला था, वही डेफिनेशन है, घुमा फिरा के वही। आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखा किस प्रकार के मिनरल थे, प्रॉफिटेबली हो, जो जो सस्ता पड़े वही यूज करना है, सिंपल सी बात है। अगला है, और देखो ये तो बताया था, द मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। ये वाला है, ठीक है। मिनरल तो क्या हम बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ जो अमाउंट रहेगा उसको हम मेटल का, उसको हम मिनरल बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कमर्शियली और प्रॉफिटेबली होना चाहिए, है ना। जैसे देखो आयरन का ओर है तो इसमें से आप आयरन निकालना है, आपको दिमाग में इमेज लाओ कि आयरन कैसे निकालेंगे ये अगर आयरन का ओर है तो। दूसरा टर्म में क्या पढ़ा हमने, गेंग। अब देखो ये बॉक्साइट का दिया है, इसमें बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इस प्रकार से मिलता है,
ये क्या है, ओर है। इसमें देखो कुछ आपको ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये इम्प्योरिटीज है। ओर में से इम्प्योरिटीज को हटा देना, यही तो प्रोसेस हमको करना है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर कॉल्ड गैंग और मेटिक्स, अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सैंड सॉइल एटसेट्रा। अब देखो मेटलर्जी के टर्म, व्हाट इज मेटलर्जी पहले तो समझ लो। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर है ना, इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब ये एक प्रकार का ओर है, इसमें ये जो दिए है ये मेटल है और ये है इम्प्योरिटीज है, इन दोनों को सेपरेट कर देना ही क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। अगला, अब ध्यान से देखना है इसको, और समझ में आ गया और से क्या होते हैं है ना। अब ये कितने टाइप के होते हैं, मेजरली 4 टाइप के होते हैं। सल्फाइड ओर हो सकते हैं, मतलब उसमें सल्फाइड के इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, या फिर इसको पायराइट भी बोलते हैं, या ऑक्साइड ओर हो सकते हैं, या फिर कार्बोनेट ओर हो सकते हैं है ना, या फिर हेलाइड ओर हो सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। आप सल्फाइड के ओर कौन कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको ये याद करना पड़ेंगे। आप बाद में वीडियो में देख करके स्क्रीन शॉट लेकर के इसके नोट्स बनाओ, या फिर जो बच्चे कोचिंग आते हैं उनसे भी आप नोट्स ले सकते हैं। देखो आयरन पाइराइट, आयरन का मतलब समझ में आ गया, Fe होगा है ना। सल्फाइड का हो रही है, कॉपर पाइराइट का फार्मूला बार बार आने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव में। कॉपर पाइराइट को क्या बोलते हैं, केल्को पाइराइट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सिल्वर ग्लांस का फार्मूला भी पूछते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट बोलते हैं, आएगा अर्जेंटाइट। इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं आपको, वो कौन सा ओर है जिसमें दो मेटल पाए जाते हैं। देखो इसमें दो मेटल है, कॉपर भी है और आयरन भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा केल्को पाइराइट, या कॉपर पाइराइट लिख दोगे तो भी सही है, दोनों सही है ठीक है। फिर जिंक का मेन ओर है ये, जिंक का मेन ओर कौन सा हो जाएगा, जिंक सल्फाइड। कॉपर का मेन ओर कौन सा हो जाएगा, मैं स्टार लगा देता हूँ, कॉपर पाइराइट। गेलेना, गेलेना का फॉर्मूला गलत है, इसमें आएगा PbS ठीक है, करेक्ट कर देना। ये हो गए सब सल्फाइड के ओर, तो आपको ये याद करके आना है, कल पूछूंगा मैं आपसे। दूसरा है ऑक्साइड ओर, देखो हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका ओर है, देखो ध्यान से दिया है, यहाँ से दिख जाना चाहिए। आयरन के मेन ओर क्या है, हेमेटाइट, यहाँ से चाहो तो आप याद कर सकते हो, हेमा, हेमा मालिनी। हेमा जब भी वर्ड आए तो हे से हेमेटाइट हो जाएगा, एमए से मैग्नेटाइट हो जाएगा। क्यूपराइट, क्यूपराइट को हम रूबी कापर भी बोलते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव बार बार आया है। जिंकाइट, जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO है ना। एल्यूमिनियम का मेन ओर ये रहा, इसकी तलाश है हमको। एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है बॉक्साइट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट समझते हो, जिसमें कार्बोनेट CO3 जो ग्रुप होता है ना, इसमें है मेलेकाइट का फॉर्मूला पूछते हैं, मेलेकाइट ऐसा पूछते हैं कि बताओ मेलेकाइट कैसा पूछ सकते हैं इसको, एक मिनट रुको। मेन ओर एल्यूमिनियम का मेन ओर बताया आप, क्या होता है, बॉक्साइट। जिंक का मेन ओर होता है जिंक प्लेट। कॉपर का मेन ओर होता है कॉपर पाइराइटिस। आयरन का मेन ओर होता है हेमा, हेमेटाइट और हेमेटाइट मैग्नेटाइट होते हैं। मैग्नेटाइट। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आप, मेलेकाइट अभी पूछा था, मेलेकाइट किसका ओर है, तो देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या, इसमें कापर है तो किसका ओर है, मेलेकाइट ने पूछा कापर से, मेलेकाइट ने पूछा कापर से, मैं तेरी कौन, तो उसने जवाब क्या दिया बताया आप लोग, क्या जवाब दिया उसने। मेलेकाइट मैं बता देता हूं आपको वापी से, ये मेलेकाइट का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, CuCO3 और CuOH ठीक है। ये देकर के पूछा था बताओ मेलेकाइट किसका और है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो क्या बता सकते हो किसका और है। कापर ने पूछा मेलेकाइट से, मैं तेरी कौन, मैं तेरी कौन,
तो उसने कहा मैं तेरी ओर, मैं तेरी ओर, मैं तेरी ओर, आवाज जाओ। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। मेलिकाइट किसका हो रहा है तो आपको याद रखना है, कॉपर का ऑब्जेक्टिव देखना आप, जो आपको मैंने दिया है। लाइमस्टोन का फार्मूला तो आता ही है आपको, मैग्नेसाइट का फार्मूला होता है ना। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, ये डोलोमाइट बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, केलेमैन का फार्मूला बार बार पूछते हैं, ZnCO3। केलेमैन किसका और है तो आपको आना चाहिए देख करके। अगर आपने फार्मूले याद कर लिए तो उसमें मेटल देखना क्या कौन सी बड़ी बात हो रही है। हेलाइट रॉक सॉल्ट हमको बताया, NaCl को बोलते हैं। फ्लोर स्पार का फार्मूला ध्यान से देख लो, मैं पूछूंगा आपसे कल, CF2। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला होता है AgCl। और क्रायोलाइट मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी फार्मूले पूछा जाएगा क्या यूज है, आप देखोगे समय के साथ, Na3AlF6। तो ये क्या हो गए, सभी मेन और हो गए। अब हमको करना क्या है, और में दो चीजें हैं, क्या है, एक तो आपको बताया मैंने प्योर पार्टिकल है, और दूसरा क्या है इसमें, इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, प्योर पार्टिकल मतलब प्योर और इम्प्यूरिटीज को मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, गैंग बोल सकते हो, जनरली सिलिका की इसमें इम्प्यूरिटी होती है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, इसमें से हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। अब इसमें से कुछ कुछ प्योर पार्टिकल है और कुछ और है, तो हमको इम्प्यूरिटी हटाना है, सिंपल सी बात है, उससे मेटल निकालना है। तो देखो अब मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे। नंबर वन इसकी प्रोसेस है, स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, फोर स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्लाइड में थ्री स्टेप में दिया है, कुछ में फोर में दिया है। तो देखो ध्यान से, पहले तो आप ये देख लो, नाम कंसंट्रेशन ऑफ ओर नंबर वन प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, वो आपको सब आ जाएगा। थर्ड है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल, जो मेटल ऑक्साइड यहाँ से मिलेगा उसको हमको मेटल में कन्वर्ट करना है। लास्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग। अब ये डायग्राम देखो आप, कि इसमें क्या समझ में आ रहा है, कि अगर किसी खेत में मूली लगी है ना, तो क्या मूली डायरेक्ट खा लेते हो, क्या डायरेक्ट मूली खा लेते हो, है ना, मूली जमीन में लगी होती है। ठीक है, उसको जैसे निकालेंगे तो उसमें मिट्टी निकलेगी, तो क्या उसको धोएंगे नहीं, पहले मिट्टी के पार्टिकल हटा देंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, फिर उसके सलाद वगैरह में यूज कर लेंगे। जितनी भी हम मेथड पढ़ रहे हैं उसको चार प्रोसेस में ध्यान रखो कि हमको इस प्रकार से ही कुछ करना है। पहले तो क्या करना है, देखो जो और सही है बड़ी बड़ी चट्टान, उसको अच्छे से बारीक पीसना आप, भून भून करके, आप नहीं पीसोगे मतलब, बड़ी बड़ी मशीनें रहती है, चूरमा बना बना करके, एक चूरमा बना बना करके चतुर्थी के दिन जो चूरमा बनता है, पीस लेना आप अच्छे से। तो जो लड्डू रहेंगे बारीक बारीक पीस के एकदम मसाला पाउडर बना लेना आपने, जो भी और है उसका पाउडर बना लो, पाउडर बना लिया तो ही तो मजा आएगा ना, पाउडर के बिना मजा कैसे आए। देखो कंसंट्रेशन आप और को पढ़ेंगे, आज इसमें टाइम हो जाएगा पूरा खत्म, टाइम इसमें हो जाएगा। तो ध्यान से देखो करना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स सेपरेशन ऑफ प्योर पार्टिकल फ्रॉम अर्थली सिलिकस इम्प्योरिटी, बता दिया आपको, और में से इम्प्योरिटी को क्या करना है हमको, सेपरेशन करना है कंसंट्रेशन के थ्रू, और क्या निकालना है हमको, प्योर ओर पार्टिकल निकालना है। अब होगा कैसे कंसंट्रेशन, देखो दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड है और एक क्या है, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड थ्री टाइप्स की होती है, इसको एक एक करके पढ़ना है हमको, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्लोटेशन मेथड है और लीचिंग है। ग्रेविटी सेपरेशन, तो सबसे पहले इसका पॉइंट ये रहेगा, ग्रेविटी सेपरेशन एक लाइन नोट करना, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर दोस ओर्स विच हैव डिफरेंस इन डेंसिटी। बस खत्म, इतना आ गया तो हमारा टॉपिक खाएं, ग्रेविटी सेपरेशन करना है। ग्रेविटी मतलब कुछ ना कुछ वेट होगा, हमको ग्रेविटी से सेपरेशन करना है। मतलब सोचो जो पाउडर आपने और पाउडर किया था पाउडर फॉर्म में, क्या खुद से इमेजिन करो कि कोई मिट्टी का मतलब सिक्का वगैरह लाए हो है ना, तो सिक्के का वेट ज्यादा रहेगा मिट्टी से, है ना,
तो आप जैसे उसको पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर छोड़ दो आप तो सिक्का तो नीचे बैठ जाएगा ग्रेविटी के कारण, और इम्प्रिटीज क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी या फिर पानी में घुल जाएगी। तो इस मेथड का मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ग्रेविटी में डिफरेंस होना चाहिए यूनिक है, क्योंकि दो चीजें हम पढ़ रहे हैं देखो, और इम्प्रिटी। हो सकता है और का वेट ज्यादा हो सकता है इम्प्रिटी का वेट ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर दोनों का वेट सेम रहा तो हम ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे कैसे, अगर दोनों का वेट सेम है तो ग्रेविटी वो प्रोसेस लगा नहीं सकते ना हम, उसमें क्या चाहिए हमको, वो हर किसी जितने भी और आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में जो आपको बताया था कि सल्फाइड और है ये ऑक्साइड और है, ऐसा थोड़ी सभी जो मेथड हम पढ़ने वाले सभी पे लागू हो जाए, नहीं, ग्रेविटी सेपरेशन उसमें करेंगे जिसमें इम्प्यूटी और के बीच ग्रेविटी का क्या हो, सेपरेशन हो, दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो, एक की डेंसिटी कम हो एक की डेंसिटी ज्यादा हो, है ना। तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे बैठ जाएंगे पार्टिकल, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाएंगे, केमिकल मेथड करेंगे तो कुछ ना कुछ केमिकल मिलाना पड़ेगा, फिजिकली हो जाए, मतलब पानी में घोल दिया क्या, फिजिकल कोई केमिकल तो मिलाया नहीं, इम्प्यूटी से अलग हो गई। तो उसके लिए आप एक वीडियो देखो, मैं बोलता जाऊंगा आप लोगों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए चार मेथड बताइए, अभी एक एक करके आप आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये आपको मैंने बता दिया, मिनरल विच फ्रॉम मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली, है ना, ये बता चुके हम आपको, ये अर्थ है, इसमें से अगर हमने कुछ भी हिस्सा खोदा तो उसको मिनरल बोल रहे हैं। ये देखो ये ओर से है ना, मिनरल को ही ओर से बोल सकते हैं आप, हम तो डायरेक्ट ओर से की बात कर रहे हैं। तीन स्टेप में बता दिया गया इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हमको पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ओर और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, है ना, सब में अलग अलग प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंसंट्रेशन टर्म समझो सिर्फ, कंसंट्रेशन टर्म है क्या, मेटलर्जी किसको बोला था, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, इंप्यूरिटीज को अलग कर देना। कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ अनवांटेड मटेरियल या गेम को हटा देना, उसको हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, है ना, जो आपके सामने वीडियो में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, पहली मेथड जो हम बोल रहे हैं, पहली मेथड का नाम क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, या इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलेंगे, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, या फ्लोट पोजिशन, या फिर लीचिंग, हम एक एक करके देखते हैं। पहले आज हम देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। ध्यान से देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, ये आपको बता दिया मैंने क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द ग्रेविटी। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है आप, जो आपने पाउडर लिया था और का जो पाउडर करा था आपने, यहां से पाउडर डालेंगे और यहां से पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, तेज फ्लो करेंगे, तो खुद से सोचो कि जो भारी पार्टिकल होंगे यहां पर फंस जाएंगे, और जो हल्की अगर इम्प्यूरिटीज है उसमें तो वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ बह जाएगी। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखते जाओ क्या हो रहा है, ये देखो ये ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर जो ओर है फंस गए, और जो इम्प्यूरिटीज हल्की वाली है वो पानी के साथ भर करके बाहर निकल गई, जो कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये हम देखेंगे अभी, ये देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल उस स्लाइड में था, फोर टाइप से, इसमें थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो क्या था, नंबर वन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर डिशन ऑफ ओर, और लास्ट में करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इसको क्या बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन भी बोलते हैं, यूज्ड टू रिमूव अर्थली इंप्योरिटीज लाइक सोइल और सिलिका एटसेट्रा। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कंसंट्रेशन की, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग मैट्रिक्स इम्प्यूरिटी जो भी बोलना हो फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको बेनिफिकेशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आप कितने टाइप से देखा, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो सकती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकती है,
और लीचिंग हो सकती है। पहले हमने देखा हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या आ जाएगा देखते हैं हम, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बता दिया था आप, बेसिक प्रिंसिपल इज डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए सबसे मेन, यूजफुल फॉर ओर ऑफ हेवी मेटल्स। अब किस मेटल के लिए ध्यान रखना है, टिन, लेड और आयरन के लिए। लाइट और कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड, इसका मैंने रीजन भी दे दिया है, नहीं तो दोनों बह जाएंगे। यही था वो डायग्राम, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में गिराएंगे, पानी का तेज फ्लो करेंगे तो हेवी और नीचे बैठ जाएंगे और इम्प्यूरिटीज वगैरह लाइटर गैंग वगैरह पार्टिकल होंगे वो बह जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और ये भी बता दिया था आपको और कौन सा लेना है, क्रस्ड और इज पाउडर्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक क्लासिफायर, इसमें लेते हैं मतलब, वो समझना जरूरी नहीं क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर है।